नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं हूं आकाश। जी हां, नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की खास पेशकश में आज बात होगी दूध से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं, अमूमन हमारी जिंदगी में दूध का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो दूध काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे घर में होता है, हमारे जीवन में होता है। इसके बिना जिंदगी अधूरी सी मानी जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति में अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से भी दूध का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान शंकर की शिवलिंग पर भी दूध का अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। लेकिन आपको आज हम वास्तु शास्त्र के मुताबिक बताते हैं, आखिर दूध के वो कौन से आसान उपाय हैं जिनको करने के बाद आप काफी ज्यादा मालामाल बन सकते हैं और आपके जीवन में क्या क्या लाभ आपको हो सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं बिना देरी कि आखिर कौन से हैं वो आसान उपाय। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहा है तो इसके लिए सोमवार के दिन सुबह शीघ्र उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवालय जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। लगातार 7 सोमवार तक इस उपाय को आप करते हैं तो आपको अशुभ फल जो पीड़ा दे रही हैं वो आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। वहीं नौकरी या व्यवसाय में परेशानी दूर करने के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर आप जल में दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है अगर ऐसा आप करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा फल भी देते हैं। वहीं इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय मंत्र का जाप कर 108 बार इस मंत्र का जाप करिए तो आपको लाभ जरूर होगा। आपको बता दें, धन की प्राप्ति के लिए एक लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध तथा घी मिला लें। इस मिश्रण को पीपल के पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर पेड़ की जड़ में अर्पित करते हैं तो आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके घर में पैसा जरूर आने लगेगा। वहीं एक साथ पैसा चाहते हैं, अचानक से आप सोचते हैं कि एक साथ हम मालामाल हो जाएं तो रविवार की रात सोने से पहले अपने बेड के पास दूध रख लें। दूध रखते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि दूध बिल्कुल भी गिरने न पाए। अगले दिन सुबह यानी सोमवार को नहा धोकर इसे दूध में बबूल के पेड़ की जड़ में इसको चढ़ाने से भी लाभ होता है। वहीं रोजाना आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करेंगे तो आपकी सारी बीमारी भी दूर हो जाएंगी। यदि आपके घर में, आपके जीवन में कोई भी बच्चा है और वो आपको परेशान ज्यादा कर रहा है, उसको नजरदोष हो रही है, तो इससे भी आपको लाभ जरूर होगा कि आप अपने एक गिलास दूध को अपने सिरहाने रखें और सुबह दूध उठकर उसी को पीपल के पेड़ पर उसको चढ़ा देने से बच्चे की नजर दूर हो जाती है, बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है और लाभ होने लगता है। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।